और अहम खबर सीहोर से, जहां 10 से ज्यादा दुकानों में भीषण आग लगी है। सलकनपुर देवी धाम में दुकानों में आग लगी है और इसके साथ साथ सीढ़ी मार्ग के पास वाली दुकानें आग में घिरी हुई हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। अहम खबर आपको बता रहे हैं, सीहोर से 10 से ज्यादा दुकानों में भीषण आग, तस्वीरें भी सामने आ गई। आप देखिए इन तस्वीरों में कैसी स्थिति यहां पर नजर आ रही है। सलकनपुर देवी धाम में की ये तस्वीरें हैं और दुकानों में आग लगी हुई है। देखिए यहां पर अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर आप देख सकते हैं। सीढ़ी मार्ग के पास वाली दुकानें आग की चपेट में हैं। अफरा तफरी का आलम छाया हुआ है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, पर यह इतना भी आसान नहीं है। लगातार कोशिश की तस्वीरें भी सामने आ रही है प्रशासन की तरफ से, दमकल विभाग की तरफ से, स्थानीय लोगों की मौजूदगी, भरपूर सहयोग भी मिल रहा और आग पर काबू पाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं स्थिति कैसी है यहां पर। सीहोर की ये तस्वीरें हैं। 10 से ज्यादा दुकानें जो है इस आग की चपेट में आ चुकी हैं और अच्छी बात यह है कि यहां दमकल विभाग की टीम जो है वो पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार यहां पर की जा रही है। सीहोर की ये तस्वीरें, 10 से ज्यादा दुकानें आग की आगोश में। सलकनपुर देवी धाम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर दुकानों में आग लगी हुई है। सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई। अमृतांशी क्या है अपडेट? देखिए एक तो जो सलकनपुर धाम है वो थोड़ा ऊंचाई पर है, दुकानदार जो है वहां पर उनके मुताबिक रात करीब 9:30 बजे की ये जो है पूरी घटना है। शॉर्ट सर्किट जो है वो शुरुआती तौर पर आग लगने का मुख्य कारण बताया जा रहा है, लेकिन देखते देखते जैसे ही आग फैली तो आग जो है उसने कई दुकानों को चपेट में ले लिया, जिससे कि व्यापारी और जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे वहां पर अफरा तफरी मच गई। मंदिर की जो सीढ़ी मार्ग के पास प्रसाद और श्रृंगार की दुकानें हैं, इन पर त्रिपाले छते डली हुई, यानी कि प्लास्टिक की जो है वो त्रिपाले डली हुई है, जिसकी वजह से तेजी से आग लगातार फैल गई। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि मोबाइल से जब घटना का वीडियो बनाया गया तो उसमें कई ब्लास्ट भी जो है वो देखने को मिले हैं, कई ब्लास्ट होते हुए भी नजर आ रहे हैं। शॉर्ट सर्किट की प्राथमिक जानकारी दी जा रही है, लेकिन मौजूदा समय में वहां पर दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद है और दमकल की गाड़ियां लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो दुकानें हैं ये कहीं पर प्लास्टिक से ढकी हुई है, लकड़ी का सामान रहता है, गुलाल श्रृंगार का सामान रहता है, तो आग काफी ज्यादा तेजी से और ज्यादा भड़क जाती है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इसमें केमिकल मिला हुआ होता है। ऐसे में आग काफी तेजी से फैल रही है। प्लास्टिक की जो त्रिपाले हैं उस कारण 10 दुकानों में अभी तक आग लग चुकी है। दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। फिलहाल जनहानि की कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन दमकल की गाड़ियां लगातार मौके पर मौजूद हैं और हादसे से अफरा तफरी जरूर सलकनपुर। जी बिल्कुल अमृतांश, जो तस्वीरें हम यहां पर देख रहे हैं सीढ़ियां हैं, क्या आखिर में क्या है, क्या कुछ नदी या तालाब जैसा भी है यहां पर कुछ? और क्योंकि इन तस्वीरों में कच्ची पक्की दुकानें नजर आ रही हैं, तो कितना मुश्किल है यहां पर आग पर काबू पाना? का जो मंदिर है वो थोड़ा ऊंचाई पर है, वहां पर या तो आप रोप वे से जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक केबल कार से जा सकते हैं, या फिर आप गाड़ी से जा सकते हैं। अब ऊंचाई पर है तो देखिए दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में थोड़ा समय तो लगता है, और ऐसे में आप जो सीढ़ी देख रहे होंगे वो सीढ़ी जो है वो ऊपर जाने का मार्ग है, जिसपे लगातार लाइन से दुकानें हैं। अब देखिए एक दुकान में आग लगी है तो जो प्लास्टिक की लकड़ी की दुकानें बनी हुई है उसमें धीरे 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 काफी तेजी से आग फैल रही है। अब तक 10 दुकानों में आग लगने की जानकारी है, प्रारंभिक शॉर्ट सर्किट इसकी वजह बताई जा रही है, लेकिन जो की गर्मी का मौसम है आग लगने की घटनाएं जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। दमकल मौके पर मौजूद है, सही समय पर अगर आग पर काबू पा लिया तो देखिए आगे तक आग बहुत ज्यादा नहीं फैलेगी, लेकिन अभी फिलहाल स्थिति थोड़ी चिंताजनक है और पूरी जगह पर अफरा तफरी जरूर मच गई है। जी बिल्कुल अमृतांशी, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।